वेलकम टू ऑल। रिएक्शन टरबाइन में हमने देखा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइडली फेमस टरबाइन है। कौन सी? पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन। अब देखिए, रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन दोनों के लिए जो वेलोसिटी डायग्राम है वो बिल्कुल सेम है। देखिए मैं बना ही देता हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। ये अपना ब्लेड हो गई, यहां पे अपना V1, VR1, VF1, अल्फा, थीटा, U और ये वाला पूरा VW1, ठीक है। उसके बाद ये इसको कुछ नहीं, उसके बाद यहां से आएंगे, ये आपका क्या VR2, V2, VF2, ये वाला एंगल कौन सा फाई, ये वाला एंगल कौन सा बीटा, ये वाली U और ये वाली VW2, सेम है। कोई अंतर है जैसा अपन ने उसमें बनाया था उसके और उसमें कोई अंतर है? नहीं, बस एक चीज अंतर है कि क्या VR2 जो रहेगा इसमें ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा VR1 फॉर रिएक्शन। अगर रिएक्शन टर्बाइन की हम बात करेंगे तो ये जो रहेगा हमेशा क्यों रहेगा, मैंने आपको बताया कि मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी फर्दर प्रेशर ड्रॉप होने के कारण जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, सिर्फ इतना। तो VR2 जो रहेगा आपको VR1 से थोड़ा सा बड़ा दिखाना है, बाकी कोई अंतर नहीं, बिल्कुल सेम चीजें हैं। तो अब इसमें जो बाकी बिल्कुल सेम चीजें हैं, तो बाकी के जो डेरिवेशन, बाकी के जो फॉर्मूले आपन ने डिराइव किए थे किसके लिए, स्टीम टरबाइन के लिए जो कि वैलिड थे इंपल्स में, वो सारे फॉर्मूलेस क्या होंगे, रिएक्शन में भी वैलिड होंगे, बिल्कुल होंगे। बस इसमें ध्यान दीजिए फॉर्मूलेस कौन से, थोड़ा सा ध्यान देना वाली बातें, बिल्कुल थोड़ी सी। कैसे? अब उसमें जो फोर्स आया था, फोर्स अपना कितना रहेगा, वर्क जो रहेगा वर्क कितना रहेगा, अभी पूरे रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वर्क टर्बाइन वर्क कितना रहेगा, उसमें कितना टर्बाइन वर्क VW1 प्लस VW2 इनटू U। पावर के लिए क्या हो जाएगा, पावर m डॉट VW1 प्लस VW2 इनटू U, ये हो गया पावर। अब फोर्स जो टेंजेंशियल फोर्स था वो तो वही रहेगा, एक्सियल फोर्स था वही रहेगा, इफिशियंसी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि इफिशियंसी क्या था, ब्लेड इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या था, टर्बाइन वर्क अपॉन इनलेट एनर्जी, अगर एनर्जी टर्म्स में लिखें तो यहां पे इनलेट एनर्जी कितनी हो गई है, अब ध्यान देते हैं, वहां पे इनलेट एनर्जी कितनी थी, V1 स्क्वायर अपॉन 2 थी ना सिर्फ, क्यों, क्योंकि जितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा था उतनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, उसी को अपन लोग क्या कर रहे थे, पूरी जगह इस्तेमाल कर रहे थे, किसको घुमाने के लिए, रोटर को घुमाने के लिए। तो वहां पे अपनी इनलेट एनर्जी थी V1 स्क्वायर बाय 2, यहां पे भी उतना तो है, जितना यहाँ पे रोटेट डिक्रीज हुआ फिक्स ब्लेड में उतना यहाँ पे अपने को V1 मिल गया, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, फर्दर मूविंग ब्लेड का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा मैनेज किया गया है कि मूविंग ब्लेड भी फर्दर क्या कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, तो वो भी क्या कर रही है, एक एडिशनल वर्क, एडिशनल इंटरन इनलेट एनर्जी अपने को प्रोवाइड कर रही है, जो कि क्या हो रहा है, वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, एडिशनल जो हीट ड्रॉप हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। और उसको अपन लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है उस फर्दर हीट ड्रॉप के कारण, फर्दर एक्सपेंशन के कारण, तो जितनी रिलेटिव वेलोसिटी अपनी इंक्रीज हुई मूविंग ब्लेड में उतनी ही क्या हुआ, वर्क में उसने और सपोर्ट किया, तो इनलेट एनर्जी अपनी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो इनलेट एनर्जी कितनी हो गई, ये वाली जो कि उसमें थी प्लस ये वाली ड्यू टू रिएक्शन इन द मूविंग ब्लेड, तो इनलेट एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब इनलेट एनर्जी चेंज हो गई तो ब्लेड इफिशियंसी भी अपनी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कैसे? तो ब्लेड इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VW1 प्लस VW2 इनटू U, ये तो हो गया अपना टर्बाइन वर्क अपॉन V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला टर्म जो था इसमें और ऐड हो गया किसमें, ब्लेड इफिशिएंसी फॉर रिएक्शन टरबाइन। अब
ब्लेड इफिशियंसी किस में हो गई, कितनी हो गई? तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2UVW1 plus VW2 upon V1 square plus VR2 square minus VR1 square। ये अपनी क्या हो गई, ब्लेड इफिशियंसी फॉर रिएक्शन टर्बाइन। ब्लेड इफिशियंसी का फॉर्मूला आपका चेंज हो गया और इनलेट एनर्जी का, बाकी सारी टर्मिनोलॉजीज क्या है सेम है और कैलकुलेशन भी जो है उसी वेलोसिटी डायग्राम से होगी। तो ये तो ब्लेड इफिशियंसी हो गई। अब अपने को चाहिए, अब जब ब्लेड इफिशियंसी चेंज हुई है तो वो कंडीशन भी चेंज हो जाएगी जिस कंडीशन के लिए ब्लेड इफिशियंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उसमें क्या था कंडीशन, रो इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई टू, ये होना चाहिए इंपल्स टर्बाइन के लिए। तो यहां पे देखते हैं क्या कंडीशन निकल के आती है। यहां पे अपन लोग जो कंडीशन डिराइव करेंगे वो किसके लिए करेंगे, फॉर पार्सन्स टर्बाइन के लिए करेंगे। यहां पे जो कंडीशंस डिराइव करेंगे किसके लिए करेंगे, फॉर पार्सन्स टर्बाइन, क्योंकि यही जो है रिएक्शन टर्बाइन मोस्टली यही यूज होती है 50% वाली, तो पार्सन्स ही यूज होती है। तो पार्सन्स टर्बाइन के लिए आप लोग देखेंगे कि ब्लेड इफिशियंसी कब मैक्सिमम होगी। अब पार्सन्स टर्बाइन है तो पार्सन्स टर्बाइन के लिए मैंने आपको बताया वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वी आर टू, उसके बाद वी टू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, VR1, V2 is equal to क्या हो जाता है, VR1, इतना हो जाता है। उसके बाद alpha is equal to क्या हो जाता है, phi, and theta is equal to क्या हो जाता है, beta। ये मैंने आपको बताया था रिएक्शन पार्सन्स टर्बाइन है तो उसमें ये कंडीशंस वैलिड रहती हैं। तो अब देखते हैं इसमें सॉल्यूशन। अब इसमें अपने को वही करेंगे जो इफिशियंसी वाला है फॉर्मूला है, इसको एक एक वेरिएबल के टर्म में रिड्यूस करेंगे, उस वेरिएबल के टर्म में जब रिड्यूस हो जाएगा तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे, जो वैल्यू मिलेगी उस डिफरेंशिएट उस वेरिएबल की वो वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, अपने को मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो करते हैं, अपन लोग को पता है VW1 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, V1 cos अल्फा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन। VW1 को लिख सकते हैं ना, V1 cos अल्फा बिल्कुल लिख सकते हैं। VW2 को अपन लोग ने अभी तक इतने न्यूमेरिकल किए तो जान गए होंगे VW2 को क्या लिख सकते हैं, VR2 cos phi minus mu लिख सकते हैं। कैसे, cos phi जो बनाएंगे अपन लोग, बेस u प्लस VW2 अपॉन VR2, तो VW2 के टर्म लिखेंगे तो u उस तरह चला जाएगा, VR2 cos phi minus u हो जाएगा। अब VW2 को और फर्दर रिड्यूस करते हैं तो VR2 is equal to मैंने क्या बोला V1, ये वाला टर्म, तो यहां से क्या हो जाएगा V1, ठीक है, और phi is equal to मैंने क्या बोला अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा cos अल्फा माइनस यू, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। समझ में आया कैसे VR2 is equal to V1 कैसे हो गया, क्योंकि 50% Parsons टर्बाइन के लिए VR2 is equal to V1 होता है, ये अपने को पता है, और phi is equal to अल्फा होता है, ये भी अपने को पता है। अब और कौन कौन से एक्सप्रेशन है इसमें, VR2 है, VR1 है, तो VR1 को क्या लिख सकते हैं, VR1 square is equal to VF1 square plus VW1 minus U का whole square लिख सकते हैं, पाइथागोरस लगा दी है इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस, तो VR1 square is equal to this वाला VW1 square minus VW1 minus U का whole square plus VF1 square लिख दिए। अब इसको सॉल्व करें तो VR1 square is equal to VF1 को क्या लिख सकते हैं, V1 sin alpha लिख सकते हैं, तो V1 sin alpha का square हो जाएगा, sin alpha is equal to VF1 upon V1, तो VF1 is equal to V1 sin alpha हो जाएगा। उसके बाद VW1 को अपन ने क्या लिखा था, V1 cos alpha, तो V1 cos alpha minus U का whole square कर दें यहाँ पे, कर देते हैं। उसके बाद अब इसको स्क्वायर को जब रिमूव करेंगे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो V1 स्क्वायर, तो ये तो V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यहां से निकलेगा V1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस U स्क्वायर माइनस 2U V1 कॉस अल्फा, तो V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस V1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा मिलकर बनेगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, तो ये क्या बनेगा V1 स्क्वायर, साथ साथ में U स्क्वायर माइनस
2u v1 cos अल्फा, पूरा आप लोग सॉल्व करिएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है समझा के, ठीक है कैसे आया ये एक्सप्रेशन। उसके बाद अब ये सारी वैल्यूज जो अपने को मिल गई क्या करें, पुट कर लें इसमें अपने, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब जो ब्लेड इफिशियंसी का फॉर्मूला है उसमें सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, देखते हैं। ब्लेड इफिशियंसी इज इक्वल टू 2u वैसा ही रहेगा, VW1 की जगह क्या लिख दें, V1 cos अल्फा प्लस VW2 की जगह V1 cos अल्फा माइनस u, cos अल्फा माइनस u लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिया। उसके बाद नीचे क्या है, V1 स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर को V1 स्क्वायर रहने दें, प्लस VR2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, V1 स्क्वायर, हमने लिख दिया V1 स्क्वायर VR2 स्क्वायर को, माइनस यहाँ पे माइनस है, माइनस के बाद अपने को VR1 स्क्वायर लिखना है, तो VR1 स्क्वायर की ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस 2U V1 cos अल्फा, ये आ गया अपना कितना, इसको अपने डिड्यूस कर लिया। अब अपने को क्या करना है, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ब्लेड इफिशियंसी इज इक्वल टू 2u यहां से v1 cos अल्फा यदि अपन बाहर कर लें तो कितना बचेगा, 1 माइनस यू बचेगा अंदर, v1 cos अल्फा यदि बाहर कर लें, चलिए नहीं करते हैं बाद में देखेंगे क्या करना है, v1 cos अल्फा प्लस v1 कैसे बाहर कर सकते हैं यार, वो तो 2v1 cos अल्फा हो जाएगा माइनस u अपॉन v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2u v1 cos अल्फा, एक v1 से एक v1 उड़ जाएगा बिल्कुल, तो यहां पे बचेगा क्या 2u, इसको अंदर प्लस कर देंगे तो 2v1 cos अल्फा माइनस u बचा अपॉन v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2u v1 cos अल्फा, इतना हो गया, ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन आया। अब इसमें से क्या करें, नीचे वाले टर्म से v1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, नीचे वाले टर्म से अपन क्या करें v1 स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ब्लेड इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2u अंदर 2v1 cos अल्फा माइनस u अपॉन, यहां से यदि हमने v1 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर प्लस 2u v1 अपॉन 2u v1 स्क्वायर अपॉन v1 कितना बचेगा 2u v1 स्क्वायर अपॉन v1 बचेगा, v1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos अल्फा बचेगा ना, देखिए v1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 से 1 कैंसिल, v1 बचेगा यहाँ पे। अब ब्लेड इफिशियंसी इसको यहाँ पे भेज देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक v1 अपन लोग क्या करें यहाँ पे रख लें और एक क्या करें अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 2u v1 और एक v1 क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 cos अल्फा माइनस u अपॉन v1 इतना हो गया अपॉन क्या बचा 1 माइनस u अपॉन v1 का होल स्क्वायर प्लस 2u अपॉन v1 cos अल्फा। अब अपने को पता है स्पीड रेशियो क्या होता है, रो इज इक्वल टू क्या होता है u अपॉन v1, तो रो की वैल्यू रख दें सब जगह, तो अपना जो एक्सप्रेशन बचेगा कितना बचेगा, ब्लेड इफिशियंसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से 2 रो ब्रैकेट में 2 cos अल्फा माइनस रो अपॉन में क्या बचेगा 1 माइनस रो स्क्वायर प्लस
टू रो कॉस अल्फा, अपना जो ये था ये टर्म अपना बच के आ गया। तो अपन ने ब्लड इफिशियंसी को क्या किया, रो के टर्म में रिड्यूस कर लिया। अब यहाँ पे अपन लोग देख सकते हैं कि एक ही वेरिएबल है अपने पास रो, मीन्स क्या हुआ अपना जो ब्लड इफिशियंसी जो थी क्या बन गई, इज अ फंक्शन ऑफ रो, रो का फंक्शन बन गई। तो अपने को अगर ब्लड इफिशियंसी को एन बी को यदि अपने को मैक्सिमम करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें किसके रिस्पेक्ट में, रो के रिस्पेक्ट में, जो आए उसको जीरो कर दें। आप इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा और जीरो कर दीजिएगा और जो वैल्यू आएगी वो चेक करिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ रो इज इक्वल टू क्या आएगा अगर जीरो पुट करेंगे तो कॉस अल्फा, इम्पल्स में क्या आया था कॉस अल्फा बाई टू। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी, ब्लेड इफिशियंसी के लिए ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। अब ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, इस कंडीशन को अगर हम ब्लेड इफिशियंसी में रख देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, जो मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी है वो भी मिल जाएगी। रख दीजिए, सॉल्व करेंगे रखने के बाद तो देखेंगे क्या बनेगा, टू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी इन पार्सन्स टर्बाइन। याद रखिएगा इट इज नॉट फॉर रिएक्शन, इट इज फॉर पार्सन्स टर्बाइन। इसे पार्सन्स के लिए वैलिड, अगर पार्सन नहीं है तो ये वैलिड नहीं है, सिर्फ पार्सन्स के लिए है। सो आई होप कंडीशन आपको समझ में आएगी, किस कंडीशन में अपनी जो ब्लेड इफिशियंसी रहेगी पार्सन्स के लिए वो मैक्सिमम रहेगी इस कंडीशन में, और मैक्सिमम एफिशिएंसी का जो एक्सप्रेशन है वो ये है टू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। उसमें क्या था, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू वन प्लस के एक्स, जो कि वन प्लस के एक्स को अगर वन करेंगे तो वन प्लस वन टू, टू से टू कैंसिल तो बचता सारा कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे टू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी इन केस ऑफ पार्सन्स टर्बाइन। आई होप ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।